बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। मकर राशि के जो जातक हैं, अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, अप्रैल 2024 में आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति किस तरीके से रहेगी, साथ ही साथ आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा किस तरीके से रहेगी, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग इसमें क्या क्या तब्दीली होने जा रही है, एक एक करके सारी चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है अप्रैल महीने के लिए वो भी बताऊँगा, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मकर राशि के जो जातक हैं, जो आपके अप्रैल महीने की कुंडली बन रही है, कुंडली के दूसरे भाव में मंगल महाराज और शनि महाराज जी स्थित हैं, साथ ही साथ जो कुंडली का तीसरा भाव है, जो आपके उत्साह का भाव है, जहां से आपका उत्साह देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है, जहां से आपके अंदर शौर्यता देखी जाती है, वीरता देखी जाती है, वहां पर शुक्र महाराज, सूर्य महाराज और राहु महाराज ये तीनों एक साथ में विद्यमान हैं। साथ ही साथ जो कुंडली का चतुर्थ भाव है वहाँ पर गुरु महाराज और बुद्ध महाराज जी विराजमान हैं। कुंडली का जो भाग्य का आपका स्थान है वहाँ पर केतु महाराज जी इस समय स्थापित है। साथ ही साथ चंद्रमा जो है ये आपके कुंडली के द्वादश भाव में स्थिति इनकी बनी हुई है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो शिक्षा है वो कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और कौन सा ग्रह का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न के ऊपर, जो आपका स्वास्थ्य है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज की जो स्थिति है वो कुंडली के दूसरे भाव में विद्यमान है। दूसरा भाव जो होता है वहाँ के कारक गुरु महाराज हैं, तो यहाँ पर शनि महाराज आपको अप्रैल महीने में थोड़ा सा तंग करने जा रहे हैं स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके। थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह आपके चेहरे पे आ सकते हैं, गर्मी का प्रमाण बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस महीने पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। यदि आप पानी का सेवन ज़्यादा करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। पानी की कमी के वजह से आपको पेट की समस्या या आपके चेहरे पे कोई इन्फेक्शन वगैरह, चमड़े में कोई इन्फेक्शन वगैरह इस तरीके से आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा पानी का सेवन भरपूर करिएगा, पानी की मात्रा बना के रखिएगा अपने शरीर में। अप्रैल महीने में खासकर आपको पानी के लिए ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपकी बात करें शिक्षा की, शिक्षा के कारक देव हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज इस समय कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। पांचवा भाव जो होता है वो आपका शिक्षा का होता है, तो गुरु महाराज इस समय कुटुंब के भाव में बैठे हैं, तो यहाँ से आपका जो शिक्षा रहेगा अप्रैल महीने में देखा जाए तो आपका शिक्षा बेहतरीन से बेहतरीन जाने वाला है। आप जो भी पढ़ाई लिखाई करोगे उसका आपको लंबे समय तक बेनिफिट भी मिलेगा। यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता दिला सकते हैं। गुरु महाराज अपने भाव में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर गुरु महाराज आपको उन्नति कराने जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। खासकर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में यदि आप कहीं पे एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं या इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो आपको पीला चंदन लगा के फिर जाना चाहिए। इससे आपके गुरु और प्रभावशाली रूप से आपके शिक्षा के क्षेत्र में प्रबल कार्य करेंगे। साथ ही साथ यदि बात करें प्रेम प्रसंग का, पांचवा भाव कुंडली का प्रेम प्रसंग का होता है, लेकिन यहाँ के जो स्वामी हैं सूर्य महाराज आपके प्रेम प्रसंग पे अच्छा खासा असर डालते हैं। 14 अप्रैल तक सूर्य महाराज ये आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे, चतुर्थ भाव में 14 अप्रैल के बाद मूव करेंगे। तो 14 अप्रैल के बाद आपका जो प्रेम प्रसंग है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल तक जब तक राहु के साथ बैठे हुए हैं तब तक आपका जो प्रेम प्रसंग है उसमें आपकी वजह से नहीं, आपके पार्टनर की वजह से आपको समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा आप अपने आप को संभालिएगा, बहुत ज़्यादा सही और गलत का फैसला आप मत लीजिएगा, खासकर आपके पार्टनर की वजह से आपको समस्या
हो सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य महाराज जैसे ही चेंज होंगे उसमें तब्दीली आ जाएगी। बात करें यदि आपके व्यापार की, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है व्यापार की, रोजगार की, व्यापार के जो मुख्य कारक देव हैं वो है शुक्र महाराज। शुक्र महाराज इस समय राहु के साथ कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य महाराज जी साथ में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ग्रहण की स्थिति है। यहाँ के जो कारक देव हैं वो है मंगल महाराज। शुक्र महाराज आपके बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करेंगे। अप्रैल महीने में आपका व्यापार थोड़ा सा डाउन जाएगा। आपको यहाँ पर शुक्र महाराज को मजबूत करना चाहिए, शुक्र का आपको उपाय करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी आपको थोड़ी बहुत टेंशन आ सकती है। आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में, आपके पत्नी या पति के बीच में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन की वजह से बात विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा आप समझ के रहिएगा। बहुत ज़्यादा बात विवाद के चक्कर में मत पड़िएगा। शुक्र महाराज इस समय गलत भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो दाम्पत्य जीवन आपका थोड़ा सा डैमेज रहेगा, शुक्र महाराज को सुधारने की जरूरत है। व्यापार भी आपका मिला जुला चलता रहेगा तो यहाँ पर शुक्र महाराज आपके व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में दोनों तरीके से आपको थोड़ा सा कठिनाई देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा शुक्र महाराज को शांत करिएगा। बात करें यदि आपके भाग्य की, आपके कर्मफल का और नौकरी का, अप्रैल महीने में जो नौकरी का क्षेत्र है वहाँ पे आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको शनि महाराज सपोर्ट करेंगे क्योंकि गुरु महाराज के साथ में बैठे हुए हैं, तो नौकरी के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा उन्नति मिल सकती है, पदोन्नति मिल सकती है। तो नौकरी के लिए अप्रैल महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। भाग्य आपका, वहाँ पर केतु महाराज जी बैठे हैं तो केतु महाराज आपके भाग्य में अचानक धन की प्राप्ति या अचानक लाभ किसी भी क्षेत्र में दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका भाग्य भी साथ दे रहा है और आपका नौकरी की क्षेत्र भी मजबूत हो रहा है। व्यापार आपका कम चलेगा, दाम्पत्य जीवन में आपको तकलीफ आएगी, थोड़ी सी हिचातानी रहेगी, इन्फेक्शन वगैरह आपको हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कुंडली में शुक्र महाराज और शनि महाराज को शांत करने की जरूरत है। शुक्र को मजबूत करने के लिए आप ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः इसका जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ शनि महाराज को शांत करने के लिए नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम हेमाग्जम छाया मातरण दसम्भुषम तम नमामि शनिश्रम या ओम सम शनिश्राय नमः या ओम सोम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे आपके कुंडली के शनि और शुक्र दोनों मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप शिव जी पर जल में सफ़ेद चंदन और काला धागा साथ में काला तिल डाल के शिव जी को शनिवार के दिन अर्पण करते हैं, इससे आपके कुंडली के शनि और शुक्र दोनों मजबूत हो जाएंगे। क्या क्या? सफ़ेद चंदन और काला तिल, या आपके पास काला धागा हो तो शिव जी को यदि समर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपके कुंडली के शनि और शुक्र दोनों मजबूत हो जाएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।